नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि डाइसीड्रोटिक एक्जिमा क्या होता है, क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं और डाइसीड्रोटिक एक्जिमा का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, मेरे चैनल पर आप नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे आगे कोई टॉपिक डालूँ तो वो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। डाइसीड्रोटिक एक्जिमा एक प्रकार का स्किन इन्फेक्शन होता है। इसमें आमतौर पर हाथों की उंगलियों में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं जिनमें पानी भरा होता है। इसमें हल्की हल्की खुजली भी होती है, साथ ही इन छोटे छोटे दानों को दबाने पर पानी निकल जाता है। यह बीमारी एक प्रकार का एक्जिमा है जो बहुत ही आम है और कई लोगों को हो जाता है। यह बीमारी आम तौर पर हाथों या पैरों की उंगलियों में होता है। अगर ये दाने बार बार होते हैं तो उस हिस्से की त्वचा मोटी हो जाती है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं डाइसीड्रोटिक एक्जिमा क्यों होता है। यह डाइसीड्रोटिक एक्जिमा होता क्यों है इसका ठीक ठीक पता नहीं चल पाया है, पर कुछ शोध हैं जिनके आधार पर इसके कारणों का अनुमान लगाया जा सकता है। उन शोधों के आधार पर ये कुछ बातें निकल कर आई हैं। अगर आपको डस्ट एलर्जी है तो आपको ये बीमारी हो सकती है, या फिर आप अगर धूल मिट्टी के माहौल में अधिक रहते हैं और हाथ हमेशा धूल मिट्टी के कारण गंदे रहते हैं तो यह एक्जिमा हो सकता है। आपको फूड एलर्जी है और कभी आप उस खाने को बहुत अधिक मात्रा में खा लेते हैं तो यह दाने निकल आते हैं। डाइसीड्रोटिक एक्जिमा के लक्षण, अगर आपको ये दाने होने वाले होंगे तो त्वचा के उस हिस्से पर बहुत अधिक खुजली होगी, कुछ ही घंटे में दाने निकल आएंगे और दानों का रंग लाल नहीं होगा, सफ़ेद होगा। इसके अंदर पानी भरा होगा और दबाने पर पानी निकलेगा। लगभग 3 हफ्ते के अंदर यह दाने सूखने लगेंगे और यहाँ पपड़ी जैसी त्वचा होने लगेगी। इसमें खुजली बहुत होने से चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। डाइसीड्रोटिक एक्जिमा के लिए अब हम कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जानेंगे। डाइसीड्रोटिक एक्जिमा में कुछ दवाइयाँ ली जा सकती हैं ताकि ये दाने जल्दी ठीक हो जाएं और ज़्यादा परेशानी न हो। होम्योपैथी में कुछ दवाइयाँ हैं जिनके सेवन से यह बीमारी जल्दी ठीक की जा सकती है। ये दवाइयाँ हैं, नंबर 1 सेलेनियम 30। अगर आपके शरीर के किसी भी हिस्से पर ख़ास तौर से उंगलियों में छोटे छोटे दाने होते हैं तो सेलेनियम 30 बहुत लाभदायक दवाई है। यह दवाई छोटे छोटे दानों के लिए बहुत ही अच्छी है, साथ ही खुजली को भी कम करती है। इसकी 4-4 बूंद सुबह दोपहर शाम आपको लेनी है। नेक्स्ट है आर्सेनिक एल्बम 30। अगर आपको खुजली बहुत अधिक होती है, साथ ही हल्की जलन और चुभन भी होती है और अगर दाने में पानी भी भरा हुआ है तो यह दवाई बहुत ही असरदार है। नेक्स्ट है एसिड नाइट्रिकम 30। यह दवाई बहुत ही असरदार है अगर आपकी त्वचा के दाने में पानी भरा हुआ है और साथ ही उसमें चुभन या खुजली होती है, या फिर अगर दोनों की पपड़ी निकलने लगी है तो भी आप इस दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। आपको आर्सेनिक एल्बम 30 और एसिड नाइट्रिकम की बराबर बराबर मात्रा को मिलाना है। इस मिश्रण को 4-4 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार पीना है, ये बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट है कैंथरिस 30। अगर आपको दानों में जलन बहुत ज़्यादा होती है तो आप इस दवाई का सेवन कर सकते हैं। अगर खुजली हो, दाने में जलन हो या दानों में पानी भर जाए तो यह मेडिसिन बहुत असरदार है। इसकी 4-4 बूंद दिन में 3 बार लेनी चाहिए, जब तक दाने ठीक नहीं हो जाएं तब तक। दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके लिए आप एक कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं।
बायोकॉमिक कॉम्बिनेशन 20। यह दवाई त्वचा संबंधी बीमारियों के लिए बहुत ही असरदार है, बल्कि सभी दवाइयों के साथ आपको इसका भी सेवन करना है। इसकी 6-6 गोली दिन में 3 बार लेनी है। इस दवाई का सेवन आप 7 से 10 दिन तक करें। ध्यान दें, 10 दिन के बाद आपको नारियल के तेल का उपयोग उस दाने वाली त्वचा पर करना है, तब तक जब तक दाने पूरी तरह ठीक ना हो जाएं। दोस्तों, इस संबंध में मेरे से कोई सलाह या सुझाव लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। और दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे आगे कोई टॉपिक डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अब लेता हूं विदा, मिलते हैं आगे किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।